डिस्कवरी वाला जंगल है, रात के 12 बजे और कोई भी आसपास नहीं दिख रहा है यहाँ पे। गाइस कोई भी नहीं है आसपास दिख रहा है, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस अभी मैं पैदल चल रहा हूँ रास्ते में, आप देख सकते हो पीछे, आज मेरे पास बाइक नहीं थी तो जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ पे अली आने वाला है, मतलब मैं लिफ्ट ले गया यहाँ तक, आया पुल तक, और इधर से अली आएगा, फिर अली मुझे लेगा और फिर हम जाएंगे एकेडमी। एकेडमी सामने इधर जाना है, तो अभी चल रहा हूँ मैं पैदल, जब तक अली आएगा थोड़ा आगे चलता हूँ और आपसे बात भी थोड़ी कर लूँगा और चलते भी रहेंगे, रास्ता भी थोड़ा क्रॉस हो जाएगा। गाइज अभी हो रहे हैं टाइम 12:30, आज थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि आज हमारा एक चैलेंज भी है जो सोहित अली और मेरे बीच है, वो क्या है, एक तीनों के बीच सीरीज़ हो रही है, हम तीनों खेलेंगे तो वो सीरीज़ भी आज, इसलिए आज जल्दी खेलेंगे, दोपहर में ज़्यादा कोई रहता नहीं है तो हम खेल लेंगे। बाकी आप व्यू देखो, यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, अली आ जाएगा फिर वो मुझे लेके जाएगा एकेडमी। और क्या, एक भाई जा रहा था सामने से, वो पीछे देख रहा था, हो गया। यहाँ कोई फ़ोन लेके आता वैसे चलता नहीं ना, तो उसके बाद मैच में मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि तीन जने पहली बार चैलेंज में बिट रहे हैं और चैलेंज में रखा गया है, वो भी एक बहुत तगड़ी चीज़, वो आगे दिखाऊंगा। खड़ा होता हूँ, ज़्यादा चल गया आगे, ज़्यादा आगे आ गया था तो ये आ गया छाव में, तो बस यही बात है। अकेडमी जाके आपसे मिलता हूँ, अभी अली इधर से आएगा, ये रहा पुल, अकेडमी जाके आपसे फिर बात करता हूँ और दिखाऊंगा अकेडमी में क्या क्या सीन आज होने वाला है। बाकी तो पहले चैलेंज खेलेंगे, उसके बाद देखते हैं अपनी प्रैक्टिस का सीन क्या होगा, क्या प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले करेंगे चैलेंज जाते ही क्योंकि जल्दी इसलिए जा रहे हैं। इस पीछे से अली आते हुए दूँ, यहाँ आ रहे हैं अली, ये साथ में शायद कुछ ला रहे हैं, ये क्या भाई, ये क्या जुगाड़ है, ये शायद किसी का कुछ सामान, तो हो तो इसको फट से ऐसे फेंकता, फिर क्या, तो ये है, ये ऐसे, तो ये आ गए हैं अच्छे अच्छे आपने, और पता नहीं क्या इतनी देर कहाँ लगी भाई यार, मैं क्या बताऊँ, अभी इसे बंद कर फिर बताऊँ, बंद करके बताया, इतनी देर कहाँ लगी यार, मेरी जिंदगी में क्या है यार, क्या हो गया, इतनी देर क्यों लगी, मेरा कुछ कामों में लेना एक ना देना हो तो मेरी रियल सी बनी पड़ी है, क्या हुआ मतलब कुछ नहीं। तो गाइस किसी कारणवश परेशान है अली, जो इन्होंने फेंक के मारा, ये पता नहीं क्या था, इसमें देखो दिखाऊंगा, अनबॉक्सिंग करेंगे आगे आपके सामने कि क्या है इस बॉक्स में। गाइस अभी पहुंच चुके हैं एकेडमी और ये सिस्टम अपना आ गया है चैलेंज का, जो आज चैलेंज होने वाला है, इसको रखता हूं इधर, अभी इसको लगाएंगे अभी, पर उधर अली आ रहा है, अली के हाथ में है वो बॉक्स जो मैंने आपको बताया था, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अभी, अभी वहाँ जाके आगे दिखा दूँ आप, वहाँ पर बैठ के अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके अंदर वो है किसका वो भी बताऊंगा, और उसके अंदर है क्या वो बताऊंगा। अभी ये सिस्टम यहाँ पे लगेगा अपना चैलेंज का सिस्टम, अली पीछे से आ रहा है, बोरा, उसकी अनबॉक्सिंग पहले करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे अपना चैलेंज, तो चलिए जल्दी दिखाता हूँ क्या कह रहा है, चलेगा बोलना पड़ा क्या रखा, क्या रखा टोटल है भाई 37,000 रुपये, गाइस कौन ने खोला जूता, और जूता निकला है काला, जूता निकला है काला, इन सब हो गई आज अच्छा तो चाचा बताएंगे इसकी क्वालिटी, क्या क्वालिटी का हिसाब है भाई, है तू तो बता दे क्या हिसाब इसका, क्या पता मैंने कभी जूता पहनना आगे इतना, तो भाई ये क्या पहन रखा तूने, ये क्या जवाब है, ये कितना नंबर है, मतलब जूता थैंक यू चाचा, अरे यार अभी ना किसी के जूते छेड़ो यार, 10 नंबर है ये तो, 9 नंबर है किसका, ये भी सेक के, तो अरे जिसके भी हो ले भाई ले, गलती हो गई, मैं सॉरी, ले इसको भी, जब वो आ जाएगा ना, मैंने छेड़ा है, मैंने फाड़ा किसी का, ला चिपका दूं तुम्हारा भी होता, मैं जब भी नहीं छेड़ता, ला चिपका दूं। तो अनबॉक्सिंग के बाद दोबारा बॉक्सिंग हो रही है, दोबारा तैयार है फिर अनबॉक्सिंग के लिए, यारी यारी यारी। ले भाई तैयार हो गया फिर, घर से किस टाइम आया था आज मैं आ गया था 2:30 बजे
रहे मुझे क्या खाना वाना का क्या सिस्टम था, लाए नहीं कुछ खाना खा के आए थे बाकी पानी में। तो गाइस एक अजूबा है ये आपने ये है इसीलिए बुलाया था भैया है ना ना ये तो बात करने के लिए गाइस आपने लव पिछले दिखा दो ये वासु है कचिंग कमेंट आ रहा बाबू दो मिनट में इसके लिए बुलाया था। तो ये देखो ये इसकी कटिंग देखो ये इसके लिए बुलाया आपने फर्स्ट चैलेंज इसके साथ ही बनाया था मैंने तो ये आज आपको दिख रहा है कोई नहीं इसका नेक्स्ट ये अगर कभी चैलेंज वापस क्या अगर रिवेंज लेना होगा तो वो लेंगे जब भी अभी प्रैक्टिस कर रहा है अच्छे से। जाओ बाबू कुछ लास्ट वर्ड बोल दो ऑडियंस को चैलेंज के बारे में कि कैसे हुआ था वो मैच। होगा गाइस वो तो थोड़ा मेरे हाथ की प्रॉब्लम थी हाथ में मक्खी ने काट लिया लड़की की मक्खी ने हाथ टूट गया था स्वेलिंग हो रही थी पर रिवेंज होगा उसका जरूर होगा। चलो ठीक है गाइज मिलते हैं फिर वासु से बाद में भी वासु को करते हैं बाय। अब इधर कल्लू खड़ा है देखो गंजे की कमी नहीं है मेरी गाड़ी में गंजों की कोई कमी नहीं है एक और कटप्पा मिल गया आपको इधर ये रहा कोई गंजों की कमी नहीं है इसमें। और अभी थोड़े से चने का प्रबंध है गाइज चने आ गए हैं देखो वो मुझे नहीं पता गाड़ी को म्यूट करना पड़ेगा पर कल्लू नींबू भी समझो तो चाचा का देख लगा आपने चाचा क्या लगा गाइस तो आपको बताऊं इसका मैच देखना गाइस आज तुम जो इसमें मैच में कराना है ना कोई सुन नहीं गाइस इसके। और उधर बच्चे सब पड़े हैं तकड़ी स्ट्रेचिंग चल रही है इधर और घर जाने का टाइम है मैं भी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करता हूँ थोड़ी सी करूँगा मैं तो। और ये तो गाइस अभी अभी हो गया है तेल खत्म अपना और देख सकते हैं गाड़ी किस हालत में चल रही है चलो 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 चलो। तो गाइस तेल अभी चल रहा है थोड़ी थोड़ी चल रही है हमें उस पोल तक भी पहुंच गए ना तो थोड़ी शांति मिल जाएगी पर गाड़ी साथ नहीं दे रही है। और हम साथ कौन कौन है अख्तार वसीम भाई और मैं भी हेरा। तो गाइस अब हो चुकी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं हम ये डिस्कवरी वाला जंगल है रात के 12 बजे और कोई भी आसपास नहीं दिख रहा है यहाँ पे गाइस कोई भी नहीं आसपास दिख रहा है पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल की बिल्कुल दम तोड़ दे पहनगढ़ा वजन भी तो 3 क्विंटल हो रहा है इसको चलो चलो दब तो चली जाओगे। तो गाइस हम फंस चुके हैं इसलिए फ्लैश लाइट जलाई है तो अब क्या होगा अभी आपको दिखाऊंगा जो भी होगा अब तेल तो खत्म हो ही गया है चलाओ इसे अब उतर लो चलो। गाइस पूरे सिस्टम में फंस गए इस टाइम रात को रात के बजे हुए इस टाइम 12 सॉरी मजाक कर रहा हूँ 12 नहीं बजे अकेडमी से आ रहे थे 7-8 का टाइम हो रहा है अकेडमी से आ रहे थे 12 तो नहीं बजे पर देखते हैं अभी क्या होगा आगे। कौन सा बैठे अभी ये साथ में अक्षर जी है और फिर चक्कर लगा के बैठेंगे मैं बैग कर लूँ साइड में। अच्छा तो पीछे अक्सर लगा रहे हैं भाई बिना तेल की गाड़ी है आज हमारे पास छोड़ दिया तो अक्सर जी की फिटनेस भी साथ साथ हो रही है गाइस कभी कभी फंस जाते हैं ऐसे में क्या करें रात का टाइम है कैसे होगा पर हम 3 जने हैं हमारे पास फोन भी है या क्या हम किसी को फोन करेंगे क्या वसीम भाई किसी को फोन बिल्कुल करा जाएगा भाई साहब फोन होगा तो वसीम भाई तेल का आपको पहले नहीं पता लगा था क्या। अरे है ता तेल तो अब तू ही उल्टा सीधा आने लगा तो क्या करें तेल की सुई का थोड़ा पता नहीं चल रहा है हमने गिराया था 300 का गिरवाया था वो 50 का गिरवाया था क्योंकि हमारा 6-7 किलोमीटर दूर है आराम से हो जाता है पर कोई नहीं गाइस हो जाता है कभी कभी आप भी फंसे होंगे तो बताओ कमेंट में। समझ में एक बात नहीं आ रही ये पुल कैसा जो गाड़ी नहीं ढल रही इस पर ढला आना लेकिन गाड़ी नहीं ढल रही ये कौन सी बात है ये नहीं समझ में आ रहा क्या क्या पता मोटरसाइकिल खराब हो रही हो हमारी कहीं यहाँ भूत भूत का साया तो नहीं। ओ माय गॉड बड़ी बात हाँ कहीं यहाँ भूत ऊपर रख ले भाई ऐसा करे किसी से ले लेना बोतल में थोड़ा सा धक्का लगाया अक्षर ने थोड़ा धक्का लगाएगा तू थोड़ा धक्का लगाऊंगा मैं ये तो बस घर तक कैसे जाओगे पेट्रोल पंप तक मेरी बात तो सुनो हाँ तू गिरवाओगा फिर गिरवा तो लेंगे किसी से ले लो ना भाई जी तेल ले लोगे क्या थोड़ा सा तेल खत्म हो गया भाई जी तो भाई एक भाई मिले हैं जो मदद करने के लिए तैयार हो गए। अच्छा जी तो इस भाई यहाँ से निकल लो नीचे को भैया हम तो लोकली वैसे तेल तुम्हारा भी कम हो गया चलो रहने दो फिर कोई बात नहीं किसी पैर लगा लो
भाई पैर लगा रहा है। दो भाई हेल्प करने के लिए तैयार हो, नाम क्या भाई? पहलो बोलिए। सारा मिल गया है, डूबते हो तिनके का सारा। लाओ फिर हो गया काम हो गया बस। हो गया भाई ऐसे लगा, हो गया काम गाइस हो गया। तो इस भाई ने कर दी हेल्प रात के टाइम पे, वरना कोई नहीं हेल्प करता है, रुकता भी नहीं कोई। पेट्रोल नहीं आया देर तक, तो पेट्रोल भाई के गाड़ी में कभी अभी रुक जाए तो कोई नहीं, किसी और से ले। भाई उतार दो, भाई यहीं तक जा रहे हैं। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता है फिर। तो गाइस अभी तो पहुंच चुके हैं हम यहाँ तक, लिफ्ट मिल गई है। अभी यहाँ से भी लंबा सफ़र बाकी है, तो वो जा रहा भाई जिसने हेल्प करी थी। अब कहाँ बैठो, यहाँ धक्का दोगे तो अब अख्तर जी धक्का दे रहे हैं हमें। तो एक बार फिर अख्तर जी दे रहे हैं। अभी से यहाँ से भी 1 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है, थोड़ा मैं थोड़ा तू, वसीम भाई से भी धक्का दिलाएंगे एक बार। हाँ हाँ पूरा लगेगा। तो मैं और किसी से पूछूंगा, मैंने पूछा था उस लड़के को, और मैं किसी और से पूछता हूँ क्योंकि ये नहीं पूछेंगे, इनको लगती है बेइज्जती है कि पूछने में किसी से अगर पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हैं। पर मैं एक बार फिर पूछ लूँगा, अभी कोई मिल ले तो अगर अच्छा लगता है। भाई जी पैदल हो आप भी? हमारी तरह पैदल ही। ये भाई भी पैदल ही और हम भी पैदल ही, हम गाड़ी। तो ये भाई जी पैदल ही जा रहे हैं, कोई नहीं इन्हें भी कोई सहारा मिलेगा हमारी तरह। आओ भाई जी बैठो, तुम भी बैठ लो। गाइस अभी जो है, तो गाइस अब मेरा चेंज कर लिया है, मेरा नंबर आ गया अब, विशाल आ गया। तो थोड़ा पीछे को हो जा भाई, धक्का नहीं मार रहा हूँ गाड़ी को, नहीं मार रहा ये कौन सा आ रहा है। ये देखिए भाई पैदल है हमारे तरीके से, और विशाल जो है जिनको भी आप पीछे देख पा रहे हैं, धक्का लगाने में बहुत ही माहिर है। आधा किलोमीटर है बस इनकी, बहुत पुरानी आदत धक्का लगाने की, धक्का लगाने की। अब वसीम भाई का भी नंबर आएगा, उसके लिए रुकना पड़ेगा आपको कि वसीम भाई कैसे धक्के लगाते हैं। ये भाई जब बैठे हैं धक्का लगाएंगे तो अलग ही मजा आएगा, क्योंकि इनकी शादी को 30 साल हो चुके। ये लोग अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो ऐसे ही बोल लाएंगे, कुछ भी हमारे साथ होगा तो वो भी शेयर करेंगे, सभी चीज़ें आपसे शेयर किया करेंगे। अभी बहुत सारे कांड हमारे साथ में होते हैं, हम तो ऊपर लेवल के हैं ना, सारे कांड ऐसे ही करते हैं। ये तो पहला कांड है, अभी जब बड़े जंगल में फंसे हुए होंगे देहरादून के या कहीं श्रीनगर के, तो भी आप तक पहुंचाएंगे वीडियोस, क्योंकि आप लोग इस तरह के सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है आप लोग तक वीडियो पहुँचाते रहना, और इस तरह से आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो बहुत ही एकदम मेरे यहाँ बस उस लेवल तक की वीडियो आ जाएगी। थक गया बस अब तो, और विशाल जो है थक चुका है, मैंने वहाँ पर भी इतना दूर तक धक्का लगाया, फिर मैंने धक्का लगाया, बहुत लंबा लगा। और अभी अब वसीम भाई का नंबर, क्योंकि पेट्रोल पंप आने वाला है जी। नहीं नहीं अभी यहां मनेंद्र बड़ी न्यूज़, मनेंद्र बड़ी न्यूज़, वसीम का आ गया है नंबर, बस दिल थाम के देखे। अब आएगा मनेंद्र, अब आएगा बहुत ही तगड़ा मजा मनेंद्र, अब मेरा मजा निकल गया कभी। अब वसीम भाई जो है तैयार धक्का लगवाने, धक्का धक्का लगाने के लिए। तो मनेंद्र अभी आप देख रहे हैं वसीम भाई को गाड़ी से उतर गए, और आज की बड़ी न्यूज, आज की बड़ी न्यूज, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए गाइस ये लोग मेरे साथ अत्याचार, किस तरीके की हरकत आज हमारे साथ की गई है, साजिश थी साजिश। एक कौंटल के विशाल, वसीम भाई भी तो दिखा दो। और ये देखिए वसीम भाई जो है, एक कौंटल के विशाल और एक कौंटल के अक्टर। सॉरी गाइस मेरा वेट जो 75 kg है, 75 kg, 85 kg का मैं हूँ, और 85 जो है विशाल का, और 195 जो है जिनको आप पीछे देख पा रहे हैं। आज की बड़ी न्यूज, वसीम भाई ने लगाया धक्का, चलते रोड पर पकड़े गए। गाइस अभी आप देख रहे हैं रोड चल रहा है और बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है, पर वसीम भाई धक्का लगाने से नहीं बाज आ रहे हैं। पेट्रोल पंप भी आ गया मतलब, इनकी जो आदत है धक्का लगाने की, स्टार्टिंग में गाइस ये रहे बेबी किलर, फिर थोड़ी एज बढ़ने के बाद हो गए थे लेडीज किलर। पेट्रोल पंप जो है बहुत ही करीब, बहुत ही करीब। जी हाँ मनेंद्र, आप देख पा रहे हैं ये जो लाइट सामने चल रही है, ये ही लाइट है जिसका बहुत देर से इंतजार था, सदियों से इंतजार किया गया इस दिन का, इस घड़ी का। बहुत करीब पहुंच चुके हैं,
बड़ी बड़ी गाड़ी आई है, देखिए हमारे सामने गुजर रही है। अभी आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है, ये देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो ये देखिए गाइस, इधर मेरा कच्चा नीचे गिर चुका है, वसीम भाई उसको उठाने जा रहे। ओ ये भी एक बड़ी ड्यूटी थी गाइस, यहाँ पर हाथ दे दिए वसीम भाई, हाथ दिए गाइस, हमने हाथ दे दिया है, हमारा दे दियो देखिए। तो गाइस आखिरकार जो ये एक लंबा सफर था, कठिनाई भरा सफर था, ये हमें जो है पेट्रोल पंप तक लेके आ चुका है। और वसीम भाई जो है उनकी बिल्कुल ऐसी की तैसी हो चुकी है, देखिए कैसे आ रहे हैं, जैसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और ये देखिए अब विशाल, अब जा रहे हैं विशाल गाड़ी को लेके पेट्रोल पंप पर। और वसीम भाई कह रहे हैं 20 रुपये का पेट्रोल पंप लगा जाएगा। तो गाइस एक बार फिर खतरनाक न्यूज आ गई है, यहाँ पर जो है गूगल पे या वो पे नहीं चलता है, इन्होंने कहा सीधा अगर आप कैश देंगे तो ही तो एक भाई मिल गया है जो कि हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार हो गए। तो अभी आप भगो भाई दिखाई दे रहे सामने जो एक बार फिर हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गूगल पे आप हमें कर दिया। तो गाइस अब गिरता हुआ तेल 50 रुपये का, उन वो भाई गए हैं जो उन्होंने करी है हेल्प, क्योंकि हमारे पे पेटीएम था और पैसा बिल्कुल भी। तो गाइस अब करते हैं व्लॉग का एंड, पसीना देखो मेरा, ये देखो खर्जी का, इन्होंने पहले लगाया धक्का, और ये देखो वसीम भाई का। हाँ तो इसी गाड़ी का हो गया था तेल खत्म, अब तेल गिर गया। एक भाई ने हेल्प की, दो भाई मिले, एक ने तो पेटीएम ने हमारे पास उसने पैसे दिए, और एक भाई ने हमें लिफ्ट दिया, मतलब थोड़ी देर हमें रास्ता दिया। तो ऐसे तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी चलते हैं। तो बाय बोल दो, बाय। अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो गाइस अच्छा लगा है तो जरूर करो, और अख्तर जी बाय बाय, थक गया गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।